हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एग्री गोल्ड लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, वो भी योनो एसबीआई में। अगर आप एसबीआई से एग्री गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं आप जो है एग्री गोल्ड लोन कितने तक ले सकते हैं। सबसे पहले शीघ्र और झंझट मुक्त है एग्री गोल्ड लोन में, उसके बाद कम ब्याज दर में आपको जो है एग्री गोल्ड लोन मिल जाता है, उसके बाद न्यूनतम कर्ज जो है कुछ भी नहीं है, अधिकतम कर्ज जो है आप कम से कम 25 लाख रुपया तक ले सकते हैं और सभी निर्धारित शाखाओं में उपलब्ध है। ये किसी भी शाखा में आप जाके ले सकते हैं। ये मैं आपको बेनिफिट बता दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ योग्य यानी एलिजिबल है या नहीं है। तो देखिए, बैंक के मौजूदा ग्राहक कम से कम 18 साल से अधिक होना चाहिए। अगर ये गोल्ड आप लेना चाहते हैं, कम से कम आप 18 साल से अधिक होना चाहिए। किसान व्यक्ति जो खुद की खेती करता हो, यानी कि जो किसान खुद की खेती करता हो, वो भी आप इस एग्री गोल्ड लोन को ले सकते हैं। और कस्टर मौखिक पट्टेदार या पट्टेदार जो करते हैं, जो आधा आधा हिस्सेदारी करते हैं, वो भी इस एग्री गोल्ड लोन को ले सकते हैं। कृषि या उससे जुड़े काम, जो कृषि या उससे जुड़े काम करते हैं, वो भी इस एग्री गोल्ड लोन को ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बेनिफिट क्या योग्य है ये भी मैं आपको बता दिया। और चलिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आज मैं इस वीडियो में ऑनलाइन करके ही बताऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आप 5-6 रख सकते हैं खिंचा के, फोटो खिंचा के। उसके बाद यहाँ पर आपको जमीन के दस्तावेज लगेंगे, जैसे कवाला हो गया, जमीन का रसीद हो गया। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब आपको केवाईसी के लिए यहाँ पे एग्री गोल्ड लोन लेने के लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। SBI एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी पासवर्ड है उससे देख कर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका पहली स्क्रीन खुल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एग्री गोल्ड लोन। तो यहाँ पे देखिए योनो कृषि पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खाता पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल मैं हिंदी में अब बताऊँगा और इजी प्रोसेस के साथ मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद एग्री गोल्ड लोन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सब तो मैं बता दिया, विशेषता, योग्यता, दस्तावेज़ क्या सब लगेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आवेदन फिर से करें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आवेदन करें यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डिटेल जो है अकाउंट से ले लिया जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगला यानी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी पूछा जाता है, आपका विवाह हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो यहाँ पे विवाहित पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद श्रेणी, कौन से श्रेणी में आता है, पिछड़े वर्ग या नहीं तो सामान्य, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दे दिए। उसके बाद किसान श्रेणी में पूछा जाता है, छोटे किसान, बड़े किसान, बटेदारी, साझा किसान, यानी कि आपका अपना खेती है या दूसरे की खेती है, तो ये सब यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप कितना जो है लेना चाहते हैं एग्री गोल्ड लोन, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 50,000। तो आपका मन है तो आप जितना भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कर्ज लेने का प्रयोजन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फसल उत्पादन या कृषि संबंधित गतिविधियाँ या निवेश, अग्रिम आवश्यकता, तो इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं, या फसल उत्पन्न होने के बाद भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम फसल उत्पादन के बाद देना चाहते हैं, वो यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद भूधारित एकड़ में, तो आपका कितना एकड़ जमीन है, 5 एकड़, 6 एकड़, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आय आपकी कितनी होती है वार्षिक में, तो यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख आप दे सकते हैं। आपका मन है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 1 लाख रुपया दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए संदर्भ कोड दिया जाता है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और जमा पे क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है रेफरेंस नंबर जो आपको मिला है, ये 15 दिन के अंदर में जो है आपको लेके जाना है ब्रांच पे।
तो यहाँ पे सारा दस्तावेज जो मैंने आपको बताया है तो आपको लेके जाना है, वहाँ से सारा डिटेल जांच होने के बाद आपको लोन एग्री गोल्ड लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ से अप्लाई होता है तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एग्री गोल्ड लोन लेने के लिए, किस तरीके से एग्री गोल्ड लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।